अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बच्चों का लड़ना झगड़ना तो लगा ही रहता है, लेकिन जब बड़े भी बच्चों की लड़ाई में शामिल होकर लाठी डंडे उठाकर खुलेआम सड़क पर मारपीट करने लगे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इसे गुंडागर्दी कहते हैं और शायद इस गुंडागर्दी के लिए ही मेरठ को जाना जाता है। 11 मार्च को हमने एक खबर चलाई थी जिसमें हस्तिनापुर क्षेत्र के प्रभात नगर में दो परिवारों के बीच लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि करिश्मा पत्नी जगबीर सिंह निवासी प्रभात नगर थाना हस्तिनापुर का कहना है कि घटना के दिन उसका पोता डेविड घर के बाहर खेल रहा था, तभी बंटी पुत्र संतोष ने किसी बात को लेकर डेविड को चांटा मार दिया। परिजनों ने विरोध किया तो वही हुआ जो नजारा आपने हमारी पिछली खबर में देखा। पीड़ित परिवार ने बंटी, कलवा व बरखा पुत्र व पुत्री संतोष, नेपाल टीटू व संतोष पुत्र भुंडिया को नामजद करते हुए रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा पीड़ित परिवार को अभी भी धमकियां मिल रही हैं और आरोपी पक्ष के लोग अभी भी हथियार लेकर घर के बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में न्याय की गुहार लगाने पीड़ित परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंचा, जहां उनकी मुलाकात एसपी क्राइम से हुई। आइए जानते हैं क्या बता रहा है पीड़ित परिवार। कप्तान ऑफिस से इसे लाने, हमारा 11 को झगड़ा हुआ था, होने के एक दिन बाद में हमारे साथ मारपीट हुई थी, बहुत ज्यादा संगीन चोट आई है मेरे परिवार के, मेरे बच्चों के, और उसमें मुकदमा दर्ज तो हुआ लेकिन संगीन धारा मुकदमा ना दर्ज करा उन्होंने, वैसे चिप काट दी और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वे भी डेली धमकी दे रहे हैं, हमारे घर का चढ़ के हथियार ले लेंगे हाथों में, और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हस्तापुर थाना। धमकी कौन कौन दे रहे हैं, क्या नाम है? धमकी दे रहे हैं संतोष, बंटी, भोंडिया, तुम्हारा एक लड़की, दो लड़की उनकी, शिल्पी और बरखा, और नेपाल मुंशी। धमकी क्या दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि साले या तो फैसला कर लो या तो दोबारा फिर मारेंगे अभी, और हमारा कुछ नहीं होने का, हमारा थाने में सब कुछ है, हमने पैसे दे दिए, थाने भर दिए हैं, हमारा कुछ नहीं होने का। कप्तान से मिले, कप्तान साहब ने क्या? कप्तान साहब ने, हमने अपना एप्लीकेशन दिया, अपना जो भी एप्लीकेशन में देनी थी हमने एप्लीकेशन दिए, उन्होंने आदेश करें, कह रहे ठीक है तुम जाइए, आपका काम हो जाएगा। झगड़ा किस बात को लेकर? बच्चों को लेकर झगड़ा हुआ था। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।